हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम हमारी राजस्थान इतिहास से संबंधित जो जीके वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, सो ये भी उसी का ही पार्ट है और आज हम इसका पार्ट 7 देखेंगे। लेकिन अब तक हमने राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन देखे थे, आज की वीडियो में हम राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप सभी वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें आप लोगों की राजस्थान जीके लगी हुई है, लाइक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड आरपीएससी एलडीसी एंड ह्यूमन सुपरवाइजर की है, आरपीएससी प्री है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए रनिंग में हैं और आप सभी उनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है बहुत यूज़फुल होंगे। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ राजस्थान जीके पर, और आपके सब्जेक्टिव पेपर से भी रिलेटेड इंग्लिश के भी कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का फर्स्ट, मंडन द्वारा रचित वास्तुकला के जिस ग्रंथ से मूर्ति कला की जानकारी मिलती है, तो वो ग्रंथ कौन सा है जिसे मूर्तिकला की जानकारी मिलती है, तो वो है रूप मंडन। नेक्स्ट है वंश भास्कर के रचयिता हैं, सूर्यमल मिशन के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई थी। नेक्स्ट है राजपूतों के प्रसाद हो वो नगरों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था, क्यों राजपूत जो हैं वो अपने जो नगर हैं या प्रसाद या महल है उनका निर्माण पहाड़ियों में क्यों करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, प्राकृतिक सुरक्षा के प्रमुख साधन है, जो शत्रुओं के विरुद्ध वो उनके सुरक्षा कवच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज राजों का रचनाकार था। गाइस, यहाँ पर दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि स्टूडेंट हमेशा गलती कर बैठते हैं। तो पृथ्वीराज राजों के रचयिता हैं चंदर वरदाई, और एक और ग्रंथ है जो पृथ्वीराज तृतीय के पर ही लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय। तो देखिए, पृथ्वीराज विजय जो हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड ग्रेड टीचर में 2013 में, तब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर चंद्र बदाई लगाया था। तो गाइस, इसमें ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासों की रचयिता चंद्र बदाई, जबकि पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता है वो है जया नक, जिनके द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया था। सो दोनों में ही डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा इन सब के क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आए थे तो उन्होंने मिस्टेक की थी। सो इस तरह की सिली मिस्टेक्स ना हो आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है वह है, तो देखिए शाहपुरा में जो संप्रदाय है वो है राम स्नेही संप्रदाय। सो फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के लिए थियरी के डिटेल वीडियो भी अपलोड करूँगी जल्दी ही, तो आप लोगों को सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसमें आप लोग क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मीणा, मीणा का क्या अर्थ है, तो मीणा जो है मत्स्य जनजाति से संबंधित है और ये मछली से इसके अपभ्रंश होकर इसका नाम पड़ा है, तो मीणा का अर्थ होता है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड है, देखिए सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सागदा का सास बहू का जो मंदिर वो स्थित है नागदा बिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है, तो पीपा जी के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन ईश्वर भक्ति इन्होंने बताया है, ये लोक देवता है, गागरून में संत पीपा जी का स्मारक है और इनकी गुफा टोडा राइसिंग में है। सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है, तो देखिए राजस्थान में प्राचीन समय में कई सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, उनमें से सागड़ी प्रथा भी एक कुप्रथा है। सागड़ी प्रथा का मतलब होता है लोगों को बंधवा बनाकर उनसे जबरन मजदूरी करवाना, इनकी बंधवा मजदूरी। जागीरदारों के कारण ये प्रथाएं, जब जागीरदारों का शासन था राजस्थान में तब ये प्रथाएं प्रचलित थी, और जैसे ही राजस्थान एकीकरण के बाद ये सारी प्रथाएं खत्म हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य नाटक सूरदास और संकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित है, तो ये दोनों भवाई नृत्य हैं जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है उससे संबंधित है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो देखिए ऊंटों के जो देवता कहलाते हैं वो है बाबूजी, और इन जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो ऊँटों को बाबूजी की शरण में ले जाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ जो कि नया बना था वहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडार का भोज किस मौके पर दिया जाता है, तो देखिए बडार का जो भोजन है वो दिया जाता है विवाह के अवसर पर। और एक और भोजन का प्रकार है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो है मोसर। तो मोसर जो है वो दिया जाता है मृत्यु भोज, यानी कि किसी के मृत्यु होने पर मृत्यु भोज के रूप में, मृत्यु भोज है जो किसी की मृत्यु होने पर जो भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं मोसर, और विवाह के अवसर पर जो दिया जाता है वो कहलाता है भंडार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुज्र की गायों को मेमों से चुराने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। तो वीर तेजाजी के द्वारा देवल देवली चारण की जो गायें हैं उसको छुड़ाने के लिए चले गए थे, और उसकी गायों को छुड़ाने के लिए जब गए थे तो ये इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने विवाह के मंडप से उठकर गए थे और उसकी गायें छुड़ाने गए तो उनका जीवन खत्म हो गया था। सो देव तेजाजी जो ऐसे लोग देवता हैं जो गायों को छुड़ाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, भक्ति कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था, तो देखिए ये अभी रीट जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सीरीज़ में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे और पूछे गए हैं। तो मीरा के पति का नाम है भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है, तो शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है गीदड़ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र कहलाता है चूरू सीकर झुंझुनू का जो एरिया है वो शेखावटी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है, तो विश्नोई संप्रदाय जो है संत जम्बो जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। राजस्थान में जिस किस रजवाड़े ने ब्लू पोल्ट्री को प्रशय दिया था, तो देखिए ब्लू पोल्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट है, केला देवी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है, तो वो होता है करौली में, और केला देवी की स्मृति में लांगूरिया नृत्य किया जाता है इनके भक्तों के द्वारा। नेक्स्ट है, सॉरी, केला देवी का जो मेला लगता है शील की डूंगरी करौली में, यह मेला लगता है और इनके भक्तों के द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है, करौली में ही आयोजित होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला गणेश्वर किस जिले में भरता है, तो देखिए नवाडपुरा डूंगरपुर में ये मेला भरता है, डूंगरपुर में गणेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ ये मेला भरता है। और मेले त्यौहार से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली सेकंड ग्रेड में तो आती ही हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है, तो देखिए जो पोमचा होता है महिलाओं का वो होता है पीले रंग का, और जो सिंदूरी है वो सिंदूरी जो एक ओढ़नी होती है उसका रंग होता है रेड कलर का है सिंदूरी रंग का, और पोमचा जो होता है ये जच्चा के टाइम पर जच्चा के जब गीत गाए जाते हैं जब उस समय ये ओढ़ाया जाता है पोमचा। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं, तो देखिए बीकानेर के उस्ताद हैं और उन्होंने बीकानेर के उस्तादों ने भित्ति चित्र बनाए हैं। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो गरासा जनजाति का ये नृत्य है, वालर और कूद नृत्य ऐसे नृत्य हैं जो गरासा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा नृत्य आता है कूद नृत्य। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ी तीज मनाई जाती है, तो देखिए सबसे बड़ी तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, और ये बड़ी तीज है, और छोटी तीज जो है श्रावण की तृतीया को मनाई जाती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है, और ये बड़ी तीज है जो कि सातुड़ी तीज जो है उसे बोलते हैं बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या बड़ी तीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय संगीत के रचयिता राधा गोविंद संगीत सार के हैं वो है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल।
नेक्स्ट है राजस्थानी तारा भाट की ओढ़नी का पहनावा जिसमें प्रचलित है वो है, तो देखिए तारा भाट की जो ओढ़नियाँ हैं ये आदिवासी जनजाति की महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, मे बी आरपीसी सेकेंड ग्रेड 2013 में ही ये क्वेश्चन आया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जिसकी देनी वह है, तो ओसिया में प्रतिहारों के मंदिर हैं ओसिया जोधपुर। नौटंकी किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है, तो नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में वहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो देखिए मीनाकारी का जो काम है वो जयपुर में प्रसिद्ध है और साथ ही ब्लू पोल्ट्री भी जयपुर में है। इसके अलावा कई सारी सांगानेरी प्रिंट जयपुर की है, बंधीज है, कई सारी कला हैं ऐसी जो जयपुर की प्रसिद्ध है। हस्तकला के क्षेत्र में जयपुर बहुत अग्रणीय जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है, तो देखिए पुष्कर का मेला भरता है नवंबर में। और देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, आप सभी राजस्थानी महीने की सॉरी हिंदी महीने की तिथियाँ तो आपको ध्यान रहेगी, कई बार स्पेशली जो पर्यटन वाला जो क्षेत्र है, पर्यटन से जो संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें हमेशा अंग्रेजी महीना पूछा जाता है। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजी महीना भी आपको ध्यान रखना है, जिसे आपको ये भी ध्यान रहेगा कि भाई कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला भरता है लेकिन माह पूछा जाता है अंग्रेजी का, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए सारी चीज़ें एग्जामिनर की फेवरेट्स होती हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धत किए गए हैं, तो पिछवाई कला में जो पिछवाई कला है श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनमें जो उनके पीछे जो पर्दा लगाया जाता है वो कहलाता है पिछवाई कलाकृति, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो मीणा जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है, तो देखिए वो है बूंदी चित्रकला शैली। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है, तो देखिए जो ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय है वो जम्बो जी का, संत जम्बो जी के अनुयायी हैं। राजस्थान की ब्लू पोल्ट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ब्लू पोल्ट्री कहाँ के प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो वो है जयपुर की, लेकिन जयपुर ये मैं तो ये प्रसिद्ध है राजस्थान में लेकिन इसका उद्भव कहाँ से है, तो देखिए फारस ईरान से ये उद्भव इसकी उत्पत्ति होती है, वहाँ से ये निकल कर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, तो बेल बूटों की जो कला होती है वो सांगानेरी प्रिंट में होती है और सांगानेर में प्रसिद्ध है जो कि जयपुर ज़िले में आता है। नेक्स्ट है केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जाती है, किस नगर के बारे में ऐसा कहा गया था, तो देखिए जैसलमेर का जो किला है उसके लिए ऐसा कहा गया है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत है, तो संत लाल दास जी मेवात अलवर वाला जो क्षेत्र है वहां के प्रसिद्ध हैं। गढ़ बीटली दुर्ग स्थित है, तो गढ़ बीटली दुर्ग जो है वो अजमेर में स्थित है और अजमेर में इसके अलावा मैगजीन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, कई सारे दुर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बारडोली के प्रसिद्ध शिव मंदिर किस मंदिर शैली में बने हुए हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मंदिरों से, मंदिर कहाँ कौन सा स्थित है ये और किस शासकालीन है ये तो सबको पता है लेकिन पूछा जाता है कई बार वो किस शैली में निर्मित है, तो देखिए यहाँ पर जो बारडोली का शिव मंदिर है वो है नागर शैली में। सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान कला इतिहास से संबंधित। सो होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सो इसे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल नॉलेज प्लेनेट इंडिया से जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, राजस्थान जीके के लिए बहुत सारी वीडियोस सीरीज प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, बहुत सारी क्वेश्चंस का आप लोगों को एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा यहाँ पर। सो आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।